बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। और लें देखें जी, आज का वेदर के हाल आप चेक कर लें। और कल रात से बेसिकली स्नो हो रही है और पूरी रात ही तकरीबन स्नो होती रही है, तो अभी सुबह तो बहुत ही बुरा हाल है। स्नो जो है अंदर बैठे चाय के कप के साथ बहुत अच्छी लगती है, पर जब आपको बाहर जाना पड़ता है तो कसम से बड़ा ही बुरा लगता है। और खैर, अभी सुबह सुबह ही मैंने व्लॉग शुरू कर दिया है। हाजिक का जा रहा है ट्रिप स्कूल का, तो वैसे तो वो लंच स्कूल में ही करता है, पर आज उसको पैक लंच चाहिए, तो मैंने सोचा चलें ठीक है एग सैंडविच बनाएंगे, क्योंकि घर पर कुछ था ही नहीं इस तरह, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं एग और चीज़ सैंडविच बना लेते हैं। और अच्छी बात यह है कि हाजिक वैसे भी एग काफ़ी पसंद करता है, तो खुश हो के खा भी लेगा। तो यहाँ पर बस अब सैंडविच बनेगा और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट वगैरह सॉर्ट आउट करूँगी। जी, तो यहाँ पर अभी मैं सैंडविच बना ही रही थी, तो मुझे पता लग गया कि हाजिक के स्कूल से ईमेल आई है कि उनका स्कूल जो है बंद हो गया है, बिकॉज़ स्नो की वजह से काफ़ी ज़्यादा रोड्स ब्लॉक हैं और भी काफ़ी इश्यूज होंगे, तो जिसकी वजह से स्कूल उन्होंने आज बंद कर दिया है। तो अभी मैडम अमीरा जो हैं वो तो जाएंगी, पर वो आई एम श्योर खुश नहीं होंगी क्योंकि उनके स्कूल ने नहीं छुट्टी की। तो अभी बस यहाँ पर मैं सैंडविच जो बना रही हूँ, अब आई गेस हाजिक जो है वैसे ही खा लेगा या लंच में खा लेगा। तो अभी सैंडविच जो है वो मैं रैप करके रख रही थी ताकि वो ठंडा ना हो, और फिर उसके बाद मैं अमीरा को देखूँगी अब वो किस मूड में होंगी। जी, तो अभी बच्चे जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। हाजिक का तो अब स्कूल कैंसिल हो गया है, तो वो बेचारा अब जाके कपड़े अपने यूनिफॉर्म उतारेगा और नॉर्मल कपड़ों में आएगा। और मीरा मैडम जो है वो अभी रेडी हो रही थी, तो मैंने सोचा साथ साथ मैं अपने लिए भी चाय वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को ड्रॉप ऑफ करना होता है, तो फिर उससे पहले मेरा दिल होता है हम भी सॉर्ट आउट हों, क्योंकि आतिफ को भी काम जल्दी शुरू करना होता है। और यहाँ पर सारे कर्टन्स वगैरह भी मैं पीछे कर रही थी, क्योंकि अभी सुबह सुबह का ही टाइम है और बस थोड़ी देर पहले नीचे आई हूँ, तो आगे पीछे भी काफ़ी गंद हुआ है। तो वैसे भी कल थी शब बारात, तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी इबादत की और माशाल्लाह से अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सब की जो गलतियाँ कोताहियाँ गुनाह हैं हमारे, वो हमें माफ़ करे और हमें नेकी की हदायत दे। बस अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, ये सबसे ही बड़ी बात है, और सेहत वाली लंबी उम्र हो। तो यहाँ पर बन रही है जी चाय। आपको पता है यहाँ पर सेपरेट ही बनाती हूँ, बहुत कम ही है कि जब मैंने मिक्स टी बनाई हो। जब कोई गला शला ख़राब होता है ना, तब होश आती है कि हाँ चलो मिक्स टी बना लेते, नहीं तो ये इस तरह ही बस जल्दी जल्दी के काम कर लेते हैं हम। और ये देखिए यहाँ पर ये हॉट हुई हुई है, That's wrong. No. Ajo. Come here. Come here. No. Oh, baby. Bye. If you stand in the grass, chalo, let's go. Put your hat on. Put your hat on. Okay, love. जी, तो पहले तो वो बिल्कुल ऑफ हुई हुई थी कि हाजिक साहब जो हैं उनको क्यों छुट्टी है और मुझे क्यों स्कूल जाना पड़ रहा है, पर जब वो स्नो में ऐसे बाहर निकली तो वो खुश थी कि बड़ा मैं इंजॉय कर रही हूँ। नो, वी नॉट डूइंग दिस। नो, लेट्स गो। जी, तो मर के अब मैं अमीरा को ड्रॉप करने जा रही हूँ स्कूल। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि स्नो की वजह से ट्रीज बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, देखिए कितना खूबसूरत सारा लग रहा है।
पर ये है कि मुश्किल बहुत हो जाती है। अभी ये देखें गाड़ियाँ कितनी स्लो चल रही हैं क्योंकि सबको स्किड होने का डर है। और आप ही मेक श्योर करें जहाँ जहाँ पर भी स्नो हो रही है, क्योंकि आजकल यूके का वेदर बहुत ही ख़राब हुआ हुआ है, और जहाँ पर भी स्नो हो रही है सब स्लो गाड़ियाँ चलाएं, और जो वॉक कर रहे हैं वो भी काफ़ी स्लो चलें, ध्यान से चलें। और बस अभी मैं घर आई हूँ और ये देखें हाजिक साहब जो हैं उन्होंने अपना टीवी शो लगा लिया है और साथ में सैंडविच भी शुरू कर दिया खाना। तो बस अभी घंटा ही हुआ था और अमीरा के स्कूल में जो है जी छुट्टी कर दी उन्होंने, उन्होंने कहा कि डेंजरस वेदर है तो आप बच्चे को ले जाएं घर। चलो टेक योर बैग, टेक योर शूज, एवरीथिंग सॉर्ट आउट करो और चेंज करो कपड़े। ये सब उठा लो अपना ले जी। तो बच्चों ने पढ़ाई तो की नहीं और बस वो घर आ गए हैं और यहाँ पर काफ़ी मेस पड़ा हुआ है। सुबह से मैं भाग रही हूँ, बच्चों को ले रही हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत अपने बर्तन वगैरह धो लिए हैं और आगे पीछे से भी थोड़ी बहुत सफाई वगैरह कर ली है, क्योंकि अब मुझे लंच वगैरह भी सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि बच्चे जी अब घर पर हैं तो उन्हें लंच भी करना है। और बस आजकल मुझे शॉपिंग का भी बड़ा मसला पड़ा हुआ है क्योंकि वेदर थोड़ा ख़राब है, तो आप मैं नहीं फजूल में गाड़ी चलाना चाहती, यहीं भी कहीं ठोक ठोक दी तो मसले पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी बस जस्ट नूडल्स रखती हैं कि बच्चे जो हैं वो खुशी से खा लेते हैं तो वो बस खा लेंगे ये। और साथ में रात के लिए मैंने यहाँ पे आज सोचा है दाल चावल बनाते हैं, नाइस कम्फर्ट फूड दाल चावल। दाल चावल एक ऐसी डिश है जो हर घर में ही बनती है और हर कोई इसे बड़े शौक से खाता है, मज़े से खाता है। तो बस मैंने सोचा आज मैं भी आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बनती तो वो हर घर में है पर हर एक का अपना डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मैं भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जी। तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल और मसूर की दाल ले ली है और यहाँ पर बस मैं उसे वॉश कर रही हूँ। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर दालों को बहुत ज़्यादा चुनना नहीं पड़ता, जैसे पाकिस्तान में तो होता था कि दाल लेकर आओ तो पहले उसको अंदर से उसके अंदर जो समटाइम पत्थर वगैरह छोटे छोटे होते हैं, कंकर होते हैं, तो वो पहले चुन लो और फिर उसके बाद दाल वगैरह पकाओ धो। तो खैर यहाँ पर साफ़ होती हैं, बस यहाँ पर बस लाओ और पका लो। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से अनियन, साथ में दो ग्रीन चिली, थोड़े से टमाटो और गार्लिक ले लिया है। सबसे पहले थोड़े से ऑयल में मैं इनको थोड़ा सा पकाऊंगी। मेरी जो दाल पकाने का तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट, इसलिए कि वो डबल तड़का टाइप बन जाता है और मुझे लगता है उससे दाल और मज़े की बनती है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये शेयर कर लेती हूँ। तो मेरा बस यही तरीका है, थोड़े से ऑयल में सारी इंग्रेडिएंट डालें और उनको थोड़ा सा पका लें, बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा पका लेना और बस उसमें फिर पानी ऐड करना है। जबकि यूजली क्या होता है कि सिर्फ आप दाल में पानी और नमक वगैरह ऐड करके उसे प्रेशर करते हैं, तो मैं बस थोड़ा सा प्याज वगैरह मिक्स ऐसे फ्राई करके फिर इसमें पानी डालती हूँ और पानी में ही नमक मिर्च वगैरह ऐड करती हूँ, क्योंकि अगर आपने ऑयल में नमक मिर्च ऐड किया तो आपको फिर स्नीजिंग होना शुरू हो जाएंगी और फिर वो बड़ा मसला हो जाएगा। तो बस यहाँ पर अब दाल ऐड कर दी है मैंने और इनको हम कर देंगे प्रेशर। It's raining now. It's fine.
जी तो बच्चे शुरू हो गए वहाँ पर खेलना। मेरी दाल यहाँ पे प्रेशर हो गई है, साथ में मैंने पानी रख दिया है बॉयल राइस करने के लिए। हाज़िक, don't get carried away. Look what you've done here. Honey, do you snow down my clothes? It's all honey's fault. It's all messy now. It's honey's fault. You're the one that threw snow down my clothes. Chalo, chalo, be nice. Be nice now. Yeah, it's get it out. Go outside get and it out. Yeah, you need to go outside. It's quite bad here. Chal, bahar nikal ja. Oh. Get out, man. Yeah, do it there. Why did you stop throwing at me? I'm over here. Hazik. जी बच्चे खेलते तो कम है और गन ज़्यादा डाल देते हैं। अब यहाँ सारा उन्होंने वेट कर दिया है, तो अब दाल चावल के बीच बीच में अब चेक करें कि मेरे एक्स्ट्रा काम कितने हो रहे हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा बहुत इनका साफ़ करूँगी और इन्हें अब सख्ती से डांट दिया है कि खबरदार अंदर आए बेड चीज़ें लेकर, अपने कपड़े और शूज़ वगैरह बाहर ही रखना, बाद में इनको उठाएँगे। तो यहाँ पर स्नो की वजह से ये भी बड़ा एक काम हो जाता है कि बच्चे जो हैं वो फिर थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और उस चक्कर में अंदर भी सारा मैस हो जाता है। तो चावल जी मैंने रख दिए हैं, दाल ये देखें अंदर से ऐसे निकल आई है। अब बस इसको थोड़ा सा और इन्हें पका लेंगे ताकि पानी जो है अच्छे से उसमें क्या कहते हैं वो मिक्स हो जाए, और साथ में तड़का भी रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी दाल थिक भी लग रही थी तो मैंने साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी ऐड किया था। तो यहाँ पर बस मैं अपना तड़का रेडी कर लूँगी। तड़के में मैं बिल्कुल सिंपल चीज़ें रखती हूँ, वही अनियन और गार्लिक और थोड़ा सा साथ में ज़ीरा। मैं पहले ज़ीरा नहीं ऐड करती क्योंकि ज़ीरा फिर मुझे कड़वा लगता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रेड चिली भी ऐड की है एक्चुअली, क्योंकि मुझे दाल थोड़ी सी फीकी लग रही थी, मुझे लग रहा था कि चिली की थोड़ी सी ज़रूरत है। सॉल्ट परफेक्ट था। और ये तो हमें करना ही होता है कि फ्राइंग पैन में थोड़ी सी दाल डालकर और फिर दाल वापस उसमें डालनी होती है। ये मेरी मम करती होती थी और आई गेस सब लोग ही करते हैं, जो भी दाल का तड़का लगाते हैं बाद में ऐसे तो करते ही हैं। तो ये बस इन पर मैंने सूखी मेथी डाल दी और साथ में थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर भी ऐड कर दिया। और लें जी मेरी दाल हो गई है रेडी और देखिए कितनी मज़े की लग रही है, मेरे दिल कर रहा है मैं अभी ही खा लूँ। जी तो मेरी कुकिंग जो है आज की हो चुकी है, तो मैंने सोचा अब ऊपर चलती हूँ और बाकी वगैरह आगे पीछे चीज़ें देखती हूँ। तो ऊपर से बस मैं इनको देख रही थी और ये क्या कर रहे हैं, और स्नोमैन की बनाने की जो नाकाम कोशिश इनकी चल रही है, दो तीन बारी बना चुके हैं और टूट गया इनका। छोटी को देखो, ये वहाँ पे स्नो ही नहीं है जहाँ पे वो एंजल्स बना रही है। मिट्टी में बना रही Goofy, the snowman. Goofy? Goofy, what happened? Basically, the karate chopped him. Karate chopped him? No, the bottom broke, so the rest of him broke. Then we karate chopped him. जी तो ये देखें इन्होंने क्या गार्डन का हशर नशर कर दिया है। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।